सलमान खान और कटरीना कैफ स्टारर एक्शन फिल्म टाइगर 3 जापान में रिलीज हो चुकी है और पहले ही दिन फिल्म ने बड़ी बड़ी फिल्मों के प्रीवियस रिकॉर्ड्स तोड़ डाले हैं। आपको बता दें कि जापान में इंडियन फिल्मों का बहुत तगड़ा क्रेज है। जापान में बॉलीवुड और साउथ फिल्में खूब मोटा पैसा बटोरती हैं। पिछली बार साउथ फिल्म डायरेक्टर SS राजामौली के डायरेक्शन में बनी फिल्म RRR ने कमाई के बड़े झंडे गाड़े थे। वहीं जापान में फिल्म की स्क्रीनिंग पर खुद राजामौली वहां पहुंचे थे। अब बीती 12 नवंबर 2023 को वर्ल्ड वाइड रिलीज हुई सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 जापान में धमाका करने के लिए तैयार है। ये फिल्म 3 मई के दिन जापान के सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। वहीं रिलीज होते ही सलमान खान ने आमिर खान की एक फिल्म को पीछे छोड़ दिया है। जी हां, ट्रेड एनालिस्ट निशित शॉ के मुताबिक पहले दिन जापान में टाइगर 3 के 1300 टिकट बिके हैं, जबकि आमिर खान की फिल्म दंगल को जापान में रिलीज किया गया था तो पहले दिन उस फिल्म के 1260 टिकट बिके थे, यानी कि टाइगर 3 दंगल से आगे निकल गई है। इसी के साथ टाइगर 3 ने साउथ सुपरस्टार यश की फिल्म KGF को भी पछाड़ दिया है। एक रिपोर्ट माने तो पहले दिन जापान में इस फिल्म के 1090 टिकट बिके थे। यहां तक कि रणबीर कपूर की फिल्म ब्रह्मास्त्र को भी सलमान खान की टाइगर 3 ने पीछे छोड़ दिया है। बता दें कि जापान में इस फिल्म के पहले दिन 1010 टिकट बिके थे। इसी के साथ ये क्लियर हो गया है कि भले ही इंडियन बॉक्स ऑफिस पर सलमान खान थोड़ा चूक गए हो, मगर ओवरसीज में इस फिल्म ने चुन चुन कर सबसे बदला ले लिया है। बहरहाल जापान में सलमान खान की तगड़ी पॉपुलैरिटी है, इसका अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि इससे पहले उनकी फिल्म बजरंगी भाईजान को भी अच्छा रिस्पांस मिला था। बता दें कि सलमान खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म सिकंदर को लेकर चर्चा में है और बीती 14 अप्रैल को एक्टर के घर के बाहर हुई फायरिंग से भी वो सुर्खियां बटोर रहे हैं। बता दें कि सलमान खान हाउस फायरिंग केस में पुलिस कस्टडी में गन सप्लायर अनुज थापा ने खुदकुशी की और अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।